सुरक्षा बलों ने मार गिराए दो आतंकी, मुठभेड़ अभी भी जारी। सोनिया गांधी ने बुलाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, बनेगी रणनीति। प्रणब मुखर्जी ने ईवीएम को लेकर जताई चिंता, कहा इनकी सुरक्षा ईसी की जिम्मेदारी। मुलायम अखिलेश की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने दी क्लीन चिट। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। चुनाव परिणाम दौरान भाजपा ने जताई चिंता, कहा मतगणना स्थल पर कार्यकर्ताओं पर हो सकता है हमला। नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, महिला और उसके साथी हुए गिरफ्तार। कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड के खिलाफ मानहानि मामले को वापस लेंगे अनिल अंबानी। अयोध्या के सीताराम मंदिर में इफ्तिहार पार्टी, महंत ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। पाक का लड़ाकू विमान समझकर आईएएफ की मिसाइल ने उड़ाया खुद का ही विमान, 6 जवान हुए शहीद।